गाइज, आजकल के ज़माने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर दो लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पर निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था, और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट हो गया था। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनी या मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है भाई, पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती हैं, ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस, कि आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एटीएम से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट नंबर वन, इंडिया का पहला सोलर एटीएम कहां खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर टू, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर थ्री, इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहां खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइज, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।